Hi guys, today we will gonna discuss about the mechanism of crystallization. The formation of a crystal from solution involves three steps: supersaturation, nucleation, crystal growth. Supersaturation can be achieved by following method: evaporation of solvent from the solution. इसमें हम solvent होते हैं उसको heat up करके उसको evaporate करते हैं और जो remaining होता है वो हमारे पास जो क्रिस्टल बच जाते हैं कोनी आप देख सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे तो वो जो पार्टिकल है वो क्रिस्टल है वो सेटल डाउन होगा. इस तरह हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो क्रिस्टल हम गेन करना चाहते हैं. एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मोर सॉल्युबल देन इन सॉल्वेंट देन द सॉलिड टू बी क्रिस्टल. इसमें से हम वो सब्सटान की एडिशन करेंगे जो कि मोस्ट सॉल्युबल हो उस सॉल्वेंट में जो देन जो सॉलिड जो हम सॉलिड को क्रिस्टल करना चाहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में लाना चाहते हैं उससे मोस्ट सॉल्युबल हो तो हम इसमें इससे सब्सटान की एडिशन करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होगा उसमें और जो हम गेन करना चाहते हैं जो सॉलिड की क्रिस्टल वो स्टेबल होकर हम ईजीली उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. न्यूक्लिएशन birth of very small particle or small body of molecule are called nucleation. इसमें से जो छोटे छोटे जो बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल के उसे कहते हैं न्यूक्लिएशन. सम क्रिस्टल में भी बिकम बिग उसमें से चंद जो गुच्छे होते हैं वो बड़े होते हैं वो अपने आपको इस तरह अपने आपको इलेक्ट्रिक्स में अरेंज करते हैं और दिस बॉडी ऑफ एग्रीगेट आर कॉल्ड एम्ब्रियो और उस बॉडी की जो एग्रीगेशन को कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं. एम्ब्रियो आर अनस्टेबल एंड दे मे ब्रेक इनटू अ क्रिस्टल अगेन. एम्ब्रियो ये अनस्टेबल होते हैं और वो दोबारा ब्रेक डाउन होकर क्रिस्टल में आ जाते हैं. दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लाई. ये स्टेबल है स्टेबल स्ट्रक्चर रहते हैं और ये मिल के फिर न्यूक्लाई बनाते हैं. ये वो प्रोसेस है जो हमने अभी डिस्कस किया है. न्यूक्लिएशन इट इज द बर्थ ऑफ वेरी स्मॉल बॉडीज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच द क्रिस्टल फॉर्म हमने डिस्कस किया और इसके दो टाइप है प्राइमरी न्यूक्लिएशन एक सेकेंडरी न्यूक्लिएशन है. इंड्यूस बाय क्रिस्टल स्किन जो न्यूक्लिएशन है वो इंड्यूस होते हैं इंड्यूस बाय क्रिस्टल के थ्रू हम इंड्यूस करते हैं और जो परमानेंट होते हैं उसके फर्द दो टाइप है होमोजीनियस होते हैं एक हीट्रोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस है जो स्पॉन्टेनियस है और हीट्रोजीनियस है वो इंड्यूस बाय फॉरन पार्टिकल के थ्रू हम इंड्यूस करते हैं. क्रिस्टल ग्रोथ एवरी क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ लिक्विड. हर जो क्रिस्टल होते हैं उसके गिर्द गिर्द एक लेयर होते हैं लिक्विड की उसे कहते हैं सिट्रेक्टिन लेयर. और जो क्रिस्टल बनते हैं जब वो क्रिस्टल बनते हैं तो जो न्यूक्लाई की फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाते हैं और क्रिस्टल की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होते हैं. और फ्रॉम द बर्ग सॉल्यूशन बर्ग अ सॉल्यूट पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू दिस स्टैग्नेंट लेयर एंड दे रीच द सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टल. जहाँ पे जो मास ज़्यादा हो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मास जहाँ पे ज़्यादा हो उसमें से जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं स्टैग्नेंट लेयर को क्रॉस करते हैं और वो पहुंच जाते हैं उस सरफेस पे क्रिस्टल के सरफेस पे पहुंच जाते हैं. दिस पार्टिकल देन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ क्रिस्टल दैट इज उस पार्टिकल के उस सरफेस के पहुंचने के बाद वो पार्टिकल अपने आप को उस तरतीब में अरेंज करते हैं क्रिस्टल लेटिस में और इस फेनोमेना कंटिन्यू एट द सरफेस एट अ लो रेट. ये फेनोमेना कंटिन्यू जारी रहता है सरफेस पे बहुत ही लो रेट पे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.